हत्या के बाद शव के किए टुकड़े, फिर कुकर में उबाला। मुंबई में लिव इन पार्टनर की हत्या। मुंबई में लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सामने आया है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा और बदबू नहीं आए, इसलिए शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस जैसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया है। यहाँ पर लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को चेन शॉ यानी पेड़ काटने वाली मशीन से कई टुकड़ों में काट दिया। कहा जा रहा है कि बदबू नहीं आए, इसलिए वो शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला शहर के मीरा रोड पर मौजूद नया नगर पुलिस थाना इलाके की गीता आकाशदीप सोसाइटी का है। सोसाइटी की सातवीं मंजिल पर 56 साल का मनोज साहनी अपने लिव इन पार्टनर 36 साल की सरस्वती वैद्य के साथ काफी समय से साथ रह रहा था। कुछ दिनों से मनोज के फ्लैट से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। उसके पड़ोसी इस बदबू से परेशान हो गए। उन लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर मनोज के फ्लैट पर पहुंची नया नगर थाना पुलिस ने मनोज का दरवाजा खटखटाया। गेट खुलने के बाद अंदर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों को तेज बदबू आई। जांच करने पर पुलिस को महिला के शव के टुकड़े घर के अंदर मिले। इसे देख पुलिस हैरान रह गई। तुरंत ही मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछने पर उसने शव अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती का होने की बात कही। पुलिस का कहना है कि किसी बात पर मनोज और सरस्वती का झगड़ा हो गया था। गुस्से में मनोज ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसके बाद बाजार गया और चेन शॉ यानी पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आया। फ्लैट में वापस आकर शव को कई टुकड़ों में काटा। पुलिस को पता चला है कि शव के कई टुकड़े उसने प्रेशर कुकर में उबाले हैं। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि उसने ऐसा सबूत मिटाने और बदबू मिटाने के लिए किया हो। पुलिस का कहना है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई हो सकती है। फिलहाल शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फ्लैट से अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अधिक जानकारी सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फ्लैट को सील कर दिया गया है। DCP जयंत बाजवाले का कहना है कि लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला सामने आया है। घर से बदबू आने पर इसका खुलासा हुआ। महिला के शव के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी मनोज बोरीवली एरिया में दुकान चलाता है। पता लगाया जा रहा है कि दुकान किसकी है। मनोज के बारे में अधिक जानकारी निकाली जा रही है।